नहीं पता था कि धन की तीन गति बताई गई। कितनी गति बताई गई? तीन गति। धन पैसे की तीन गति बताई गई। कौन कौन सी गति बताई गई है? दानम, भोगम और नहीं तो नासम। आपके पास पैसा है तो दान करो, अगर दान नहीं करते तो आप उसको भोग करो, अपने ऊपर खर्च करो। अगर आपने दान भी नहीं किया और भोग भी नहीं किया तो उसका क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा, आपके किसी काम में आने वाला वो नहीं है। और आपको लगता है कि हम अपने बेटे के लिए धर्म इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करके जाएंगे, तो एक बात अच्छा बताओ। चलो मैं अपना ही उदाहरण लेता हूं। हमारे पिताजी धन इकट्ठा करके दिए हमको, तो अगर हमको दिए तो हमको तो कमाना नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे पिताजी दे के गए। हमारे पिताजी हमको दिए, लेकिन हम कमा करके अपने बेटे को दिए, हमारा बेटा कमा करके अपने बेटे को दिया, तो उस धन का भोग कौन किया? जब सब कमा ही रहे हैं तो भोग कौन करेगा उसका? यहां कोई भोग करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, कोई भोग नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी धन को एकत्रित नहीं करना चाहिए। आपको लगता है बेटा बेटी के लिए करेंगे तो धर्म से कमाए रहोगे तो बच्चे की बुद्धि अच्छी रहेगी, उस धन को बढ़ाएगा, और अधर्म से कमा करके इकट्ठा किए रहोगे तो वो दारू और जुआ में सब बर्बाद कर देगा, सब बर्बाद कर देगा। इसलिए कहते हैं पूत सपूत तो काहे धन संचय, और पूत कपूत तो काहे धन संचय। अगर आपका बेटा सपूत निकल गया, आपका आज्ञाकारी निकल गया, बुद्धिमान निकल गया, तो उसको आपके पैसे की धन की आवश्यकता नहीं है, उसको आपके पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद ही इतना योग्य है तो बहुत रुपए कमाएगा अपने जीवन में। और अगर बेटा कपूत निकल गया, दुष्ट निकल गया, तो भी उसके लिए पैसा इकट्ठा करना ठीक नहीं है, वो सब दारू मुर्गा मीट मछली में सब बर्बाद कर देगा, जुआ खेल करके बर्बाद कर देगा। अभी आज एक लड़का आया था, बोला कि लोग उनके साथ बैठे थे, बोले महाराज ये जुआ खेलते हैं। बोले इनकी मां बोली है कि जाओ महाराज जी के पास। हम कहे भैया कोनो मंत्र जानते नहीं हम, अगर मंत्र जानते होते तो इसी बार पूरे महानंद टोला को हम निरामिष करके चले जाते, इसलिए हम मंत्र तो जानते नहीं, मंत्र नहीं मेरे पास। वो बोले जुआ खेलता है लड़का, तो हम पूछे कि कब खेलते हो? बोला हमारा दो तीन महीने खेलते हैं, दो तीन महीने छोड़ देते हैं। हम कहे छोड़ क्यों देते हो? बोला कि जब पैसा खत्म हो जाता तो छोड़ देते हैं, और जब पैसा आता तो फिर खेलने लगते हैं। हम कहे तब इसका मतलब कच्चा जुगाड़ी है। पक्का जुगाड़ी का मतलब कि माँ बाप पत्नी बेटा बेटी सबको दाव लगा दो तब जाने कि हाँ जुआ खेलते, इन सबको हार जाओ जुआ में तो जाने कि जुआ खेलते। धन का नुकसान करना इसको कौन सा जुआ करते है? अरे जुआ तो खेला था हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, जुआ खेला था हमारे युधिष्ठिर महाराज ने, अपनी बीवी को दान दाव पर लगा दिया, वो है जुआ। जुआ खेलो तो वैसा खेलो कि बीवी बच्चे मां बाप सबको दाव में लगा दो, घर परिवार बेच दो, और नहीं अगर दाव पे लगा सकते तो मत खेलो, क्यों पैसे की बर्बादी कर रहे हो? बर्बाद होना है तो देखो अच्छे से, बिगड़ो तो अच्छे से बिगड़ो, सुधरो तो अच्छे से सुधर जाओ। दो ही लोगों का नाम होता है, जो बहुत बिगड़ा होता है या तो उसका नाम होता है, या तो जो बहुत सुधर जाता है उसका नाम होता है। बीच वाले बेचारे तो घंटी बजाते पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, उनका कुछ नहीं। इसलिए बनो तो अच्छे से बनो और बिगड़ो तो अच्छे से बिगड़ो। इसलिए धन की तीन ही गति है, या तो उसको दान करो, लेकिन हम दान भी नहीं करते। पैसा बहुत है
लेकिन हमें किसी को दान करना रहता तो एक रुपया निकाल कर देते हैं। मैं बताऊं, वृंदावन में एक लोग आए कानपुर के, बहुत बड़े सेठ थे, हमारे साथ गए दर्शन करने के लिए। तो उनकी पत्नी पहले से ही चिल्लर करवा ली, 100 रुपए का पहले से ही चिल्लर करवा के गई। बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले थे, 200 लाख रुपए महीने का तो उनका इनकम था, महीने का। लेकिन जब गए मंदिर में तो उनका पति 100 रुपए निकाल करके पर्स में से निकाला मंदिर में दान करने के लिए, तो पत्नी बोली, अरे रुको, हमारे पास चिल्लर है, चिंता क्या कर रहे हैं, 1 रुपए निकाल करके दान पेटी में डाल दिया, 1 रुपए निकाल कर। अभी जैसे हमारे सुनील जी कह रहे थे कि महाराज जी मंदिर तो बन गया, पेटी भी रखी है, पूरे साल में 700 रुपया पेटी से निकला, इतने बड़े तो महानंद टोला में दानी लोग हैं। कम से कम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जब ना अपने जेब से किसी को भी जब देने की बारी आए ना, तो एक बार अपनी तरफ देख लो कि हमारी सामर्थ्य क्या है, क्या हम 10 रुपए देने लायक हैं, 20 रुपए देने लायक हैं, या 50 रुपए देने लायक हैं, या 500 रुपए देने लायक हैं, या 1000 रुपए देने लायक। दान हमेशा किसको देख करके किया जाता है? अपने आप को देख करके किया जाता है। लेकिन हम लोग दान कैसे करते हैं? सामने वाले को देख के करते हैं। अगर बहुत अच्छा है तो 500 रुपया, थोड़ा डाउन है तो 10 रुपया, और कोई चलता फिरता मिल गया तो 1 रुपया। हमेशा दान करना है तो अपने आप को, अपनी औकात देख करके, सामर्थ्य देख करके जेब में से निकालना है कि हमारी सामर्थ्य क्या है, भगवान ने हमको कितना दिया है, उस अनुसार से हमें दान करना चाहिए।